तो भाई साहब मिठाई उठाई खा ली, पकोड़े भी खा लिए, और जो बचे पकोड़े और मिठाई वो उसमें रख दिए, खाना खाने के बाद मिठाई खाएंगे। तो ये है सीन अभी तक का। तो सोलन से निकल रहे हैं अब हम, शिमला की ओर बढ़ रहे हैं, और देखो शाम 5-6 बजे तक कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज की डेट में। वैसे सही बताऊँ ना, अगर हम होल्ड ना लेते ना तो आज ही आज में हम सांगला पहुँच सकते थे, सांगला चितकुल, बट वो ये होल्ड ले रहे हैं तो चक्कर में हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसका भी अपना मज़ा है गाइज, इसका भी अपना मज़ा है। बैटरी कितनी है इसमें? बैटरी भी ठीक ठाक है, चलो ठीक है। व्यू कैसा पकड़ रही है? व्यू भी ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से उतारने में बड़ा टास्क है यार ये। हाँ, नवीन दादा चल दिए, हम भी चल रहे हैं हल्के हल्के। डिग 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 क्या बात है। अब हमने शिमला क्रॉस करने के बाद ही खाना खाना है, उससे पहले नो खाना एट ऑल, क्योंकि पकोड़े भी हो गए और एक एक पीस बर्फी यानी कि मिल्क केक का भी हो गया है ना भाई। तो इसलिए अभी खाना वाना कुछ नहीं, अभी सिर्फ भगाना भगाना, वो भी तरीके से लगाना लगाना, दिखाना दिखाना, लगाना लगाना, दिखाना दिखाना। सो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, काम चल रहा है फ्लाईओवर का। तो भाई साहब ये लगा लो कि आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ये भी रेडी हो जाएगा, और रेडी हो जाएगा तो क्या मस्त मक्खन बाइकें जाएंगी ऊपर से, सूं सूं सूं, समझ रहे हो ना। और बाकी यहाँ से अगर वापस जाओगे तो लेफ्ट में तो पूरा शहर से घूमते जाओगे, और सीधे निकल जाओगे तो पहाड़ के साइड साइड से निकल जाओगे चंडीगढ़। वो एक ही रोड है, आगे जाके एक ही जगह मिलता है बेसिकली, ये बस ये डाइवर्जन बना रखा है इन्होंने बेसिकली। तो पीछे उसका वेट कर रहे थे, अब मैंने इनको बोला, मैंने तुम चलो निकलो निकलो निकलो, मैं ग्लव्स पहन रहा हूँ आ रहा हूँ, तो बस ग्लव्स के चक्कर में मैं पीछे रह गया। कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अभी तक हमारा टारगेट सेट नहीं हुआ कि जाना कहाँ है, मतलब मींस आज जो है आज की डेस्टिनेशन सेट नहीं हो पा रही। मैं तो ये बोला भाई जहाँ तक पहुँच जाए वहाँ तक पहुँच जाएंगे बस। वह तो वो नवीन बोल रहा था कि रामपुर तक तो खींच दें, मैंने कहा यार देख खींचने खींचने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने आप को बॉडी को थका का कोई फ़ायदा नहीं है, है ना भाई। कोई रेस तो लगी भी नहीं है, किसी तरह का कोई चैलेंज भी नहीं है, बस खाली ये है कि हाँ 8-10 दिन 15 दिन 12 दिन हफ्ता जितने दिन में कवर हो पाए उतने दिन में कवर करेंगे, आराम से करेंगे, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं है, है ना भाई। वो देखो नवीन कहाँ पहुँच गया, उस वाली पहाड़ी पहुँच गया, उसी के ठीक पीछे शांटू चल रहा है और हम चल रहे हैं सबसे पीछे। कोई चक्कर नहीं, 5-7 मिनट का वो है, 5 मिनट का या 3 मिनट का, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर गैप है। तो भाइयों हम पहुंचने वाले हैं शिमला, शिमला दिख रहा है सामने, बिल्कुल सोलन की तरह है शिमला। गाइस काफी लंबी लाइन है ये, लगा लो कारों की, अगर सोचो अगर हम कार में आए होते तो भाई हमारी वाट लग जाती सीरियसली, बहुत लंबा काफिला है। और ये सीन ऐसा है कि यहाँ पे वन बाय वन छोड़ा जाता है, मतलब कि पहले ये लाइन फिर वो लाइन फिर ये लाइन फिर वो लाइन, समझ रहे हो। और हम बाइक वाले सोचो कहाँ से कहाँ आ गए, मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया। जब लाइन देते हैं ट्रैफिक की तो हैं नहीं नहीं वो बोलना ब्लॉक कर रहा हूँ। हाँ तो जब अपना लाइन देखो ना कि भाई बहुत लंबी लाइन है और हम निकलते जा रहे, तो बड़ा सुकून सा मिलता है नहीं।
ओफो, कुफरी आने वाला है गाइस, कुफरी। और ठंडक जो है ना भरपूर मिल रही है भाई, भरपूर। और नवीन भाई का जो लगेज है वो लटक रहा है एक तरफ दोबारा तो इसलिए अभी आगे रुकते हैं हम अपनी बाइक्स, और उसके बाद लगेज सेट करते हैं भाई का। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है इस बार, नवीन का लगेज लगे भागे भागे जा रहा है, भागे भागे जा रहा है देखू कैसे लटक रहा है। अरे तेरी यूं ही भाग रहा है इधर ही, क्या है इधर माल जो इधर लटक रहा है बाबा रे, ऐसा तो नहीं नवीन ज्यादा लीन कर रहा हो इधर अरे भैया इतनी इतनी लीन काहे कर रहे हो जो तुम्हारे लगे लटके लटके जा रहा है तेरा भाई साहब नहीं नहीं ये लीन ज्यादा कर रहा है इस तरह लगता है अरे 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 नवीन ध्यान से, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, तो बस कुफरी आने वाला है भाई साहब, नारकंडा के आसपास पहुंचेंगे और फिर उसके बाद रूम ले लेंगे भाई। मैं चब आ रहा हूँ ऑर्बिट। तो गाइज हम बढ़ रहे हैं व्यू पॉइंट की तरफ, एक ये यहाँ पे राइट साइड पे एक व्यू पॉइंट आता है, काफ़ी बढ़िया व्यू पॉइंट है वो, अभी बाइक रोक के दिखाऊंगा आपको मैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है नहीं हमारे पास, बिकॉज जल्दी पहुंचना भी है, प्लस नवीन भी पीछे आ रहा है, तो फिर अगर मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा तो फिर उससे रिदम ख़राब होगा, इसलिए मैं आपको बस दो मिनट में एक व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से, बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ पे, लोग खड़े भी होंगे देखो, ये खड़े ना राइट साइड पे, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको बस व्यू, एक मिनट लगेगा बस। ये लो जी यहाँ से व्यू देखो, ये देखो जी, देख रहे हो व्यू, ये देखो अल्टीमेट लेवल का व्यू है। बस वो ये जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आता है वो ज़रूर फोटो खिंचवाता है, बट हम जो है कई बार गुजर चुके हैं इस वजह से हम रुक नहीं रहे, वरना हम भी रुकते, बट मैंने आपको व्यू दिखा दिया। कैसा लगा व्यू, अच्छा लगा कि नहीं लगा ये बताना मुझे, ठीक है। सो गाइस कुफरी आ चुके हैं हम, ये है कुफरी कुफरी कुफरी, और यहाँ पे पिछली बार जब मैं आया था जनवरी में हम आए थे यहाँ पे 5 तारीख को, और 7 तारीख या 8 तारीख की मतलब डेट थी, हम यहाँ से वापसी में आ रहे थे, ठीक है जी। और ये लगा लो मतलब इस हाथ से हम जब वापसी आ रहे थे तो इस हाथ पे ना ये पहाड़ों पे ना बर्फ़ थी, तो मैं बर्फ़ दिखाने लग गया कि गाइस देखो यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है, ये है वो है, अट्रम शट्रम ध्यान दिया ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि छाएँ हो रही थी और दोपहर का टाइम था, तो उस वाले जहाँ पे ब्लैक आइस थी ना वहाँ पे छाँव हो रही थी बहुत ज़बरदस्त वाली, मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं रहा और ना मैंने देखा कि भाई यहाँ बर्फ़ पड़ी है, ठीक है। मेरी बाइक ऐसे स्लिप होती हुई सारी बर्फ़ दिखा दी मैंने एक बारी में, तो इसलिए भाई कुफरी का एरिया है ये, यहाँ पे बर्फ़ तो खैर अभी मुझे दिख नहीं रही, लेकिन फिर भी भाई मैं देख के चलूँगा, यहाँ पे लीन वीन नहीं करूँगा वरना मामला बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। क्या बात है क्या बात है, जहर व्यू भाई जहर व्यू, ये सारा का सारा कुफरी है, ठीक है जी, ये सारा कुफरी है, और ये व्यू है अल्टीमेट ये चल रहा है मस्ती में, आराम से बेटा आराम से, रोड चिकने हैं भाई, रोड चिकने हैं, मतलब मैं भाई चलाता हूँ ना तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मैं इन लोगों को देखता हूँ ना तो मुझे डर लगता है कि अरे आराम से चलाओ आराम से चलाओ, मोड़ है ये है वो है, समझ रहे हो, ऐसे तुम्हें देखने वालों को लगता है कि यार वो भाई कैसे चला रहा है, वो भाई कैसे चला रहा है, लेकिन जो चला रहा होता है ना उसे अपने ऊपर पूरा पूरा कॉन्फिडेंट होता है, ये है कहानी बस, ठीक है ना। तो दोस्तों साइड में ना मेरे राइट साइड पे जो पहाड़ी चल रही है, इस पहाड़ी की ना थोड़ी थोड़ी जगह बर्फ़ गिरी हुई, देखो ये दिख रही है वाइट वाइट बर्फ़ गिरी हुई है हल्की हल्की, देखो यहाँ पे मतलब बर्फ़ गिरी हुई, क्या मैं बताऊँ, यहाँ पे टेम्परेचर इतना डाउन है जिसके वजह से पानी जो गिरता है ना पानी वही जम जाता है, तो वो ऐसा सीन है, बर्फ़ नहीं गिरी यहाँ पे, सिर्फ जो पानी है वो जमा हुआ है ऐसा कुछ, और बाकी राइट साइड से एक रास्ता उतर रहा हो समझ लो वहीं गिरा था मैं आज भी याद है मुझे अपने गिरने वाला पॉइंट। तो भाई साहब इस टाइम पे यहाँ पे धूप है तो सही लग रहा है, लेकिन जैसी धूप चली जाती है छाया आ जाती है, नवीन मत जा, जैसी छाया आती है भाई साहब ऐसी ठंड लगती है ना, ऐसी ठंड लगती है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि कैसी ठंड लगती है भाई साहब, यहाँ लग रही है ठंड। तो दोस्तों थोड़ी ही देर में आने वाला है नारकंडा, आज की डेस्टिनेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ये
तो भाई साहब बहुत मज़ा आया यहाँ तक पहुँचने में, और अभी भी मज़ा आ ही रहा है, जब तक डेस्टिनेशन आएगी नहीं तब तक मज़ा आता ही रहेगा। आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा हमारी राइडिंग स्टाइल देखकर। देख सकते हैं कैसे जा रहे हैं, रोड तो भाई एक नंबर है भाई। खैर रोड तो खैर 2 साल पहले भी ऐसी थे, कुछ कुछ ख़राब थे, बट अब तो काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं। तो बस वही है, मज़े ले रहे हैं रोड के। और भाई साहब क्या बताऊँ तुम्हें, मौसम ठंडा ठंडा रहा, नारकंडा रह गया 5 किलोमीटर। जाके होटल लेंगे और खाना वाना कुछ खा लेंगे यार, भूख भी लग रही है। मतलब ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे क्योंकि रात में खाना है, इसलिए भी जाके लाइट सा खा लेंगे और बाकी रेस्ट करेंगे। यार मेरे को डाटा कॉपी करना है, बहुत सारी वीडियोस बना ली मैंने, बहुत सारी भाई साहब। लेकिन इस राइड पे अभी तक सुबह से निकले हुए ये टाइम हो गया, ऐसा नहीं हुआ कि रोड पे खड़े होकर फोटो क्लिक करवा रहे हैं पहाड़ों में यहाँ पे, क्योंकि वो चीज़ ना ख़त्म हो गई यार, पता नहीं क्यों। मतलब जो पहले हुआ करती थी ना कि हाँ क्या व्यू आ रहा, फोटो रो 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 फोटो फोटो, वो वाली चीज़ ख़त्म ही हो गई अब। पता नहीं क्यों यार मन नहीं करता फोटो वोटो क्लिक कराने का, ऐसा लगता है कि नई लोकेशन तो ही फोटो खिंचवाएंगे, अदरवाइज नहीं खिंचवाएंगे, वो वाली बात हो गई है। खैर छोड़ो ये सब बातें, बाकी वीडियो कैसी लग रही है बताना ज़रूर, ठीक है। बाकी ठंड बहुत है भाई, बहुत ठंड है। गाइज स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश नारकंडा में। तो भाई साहब नारकंडा में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे ग्राम पंचायत नारकंडा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो मैं भी आपका मेरी तरफ से अभिनंदन करता हूँ वीडियो के थ्रू। तो भाई नारकंडा फाइनली हम पहुँच चुके हैं, अब फटाफट से होटल लेते हैं और खाना वाना खाते हैं। यार भाई साहब भूख भी लग रही है, और ये देख कहाँ भग गए दोनों दोनों पगल, अब यहाँ जाना है इनको। तो भाई लास्ट टाइम हम रुके थे ये वाले होटल माउंटेन व्यू में, ठीक है। तो अभी पता कर लेते हैं यहाँ पे, ये तो ये वाला भी होटल है, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे माउंटेन व्यू वाला पता कर लेते हैं, और माउंटेन व्यू ये पर यहाँ पता कर लेते हैं क्या टैरिफ है यहाँ पे, यहाँ पे। अरे ये वाला बंद हो गया क्या होटल भैया, खुला है? तो भाई लास्ट टाइम यही रुके थे तो हैं। तो भाई अभी फिलहाल जो है नारकंडा में आ गए, जहाँ पे लास्ट टाइम रुके थे, होटल रूम ले लिया, ऊपर अभी दिखाता हूँ आपको, और उसके बाद फिर अब वीडियो क्लोज करूँगा। बस ऊपर का आपको रूम का जो है टूर कराया था, रूम दिखाया था, उसके बाद करते हैं वीडियो क्लोज, ठीक है। तो भाई ये अपना रूम रहने वाला है, एक डबल बेड इधर, एक डबल बेड इधर, और भाई ये लगा लो आप, ये रूम तो सही है, थोड़ा सा महंगा मिला बट कोई बात नहीं, ओह काफ़ी अच्छा रूम है। बाथरूम देखते हैं भाई, ये बाथरूम है, पहले तो मैं इसका गीज़र ऑन कर दूँ, गीज़र ऑन तो हो नहीं रहा। साफ़ ही है वैसे तो, लेकिन गीज़र ऑन नहीं हो रहा, बात करते हैं गीज़र क्यों नहीं ऑन हो रहा। चलो भाई फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है, अच्छी लगी हो वीडियो यहाँ दिल्ली से यहाँ तक की दोनों के पार्ट, तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय। चेक कर ये सांस फूल रही है यहाँ पे भाई, गीजर ऑन नहीं हो रहा आपका, अच्छा ओह।